एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कांग्रेस के 46 में से 44 विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए में शामिल हो गए हैं। पीपीए में शामिल होने के बाद खांडू ने कहा, मैंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके उन्हें यह सूचना दे दी है कि हमने कांग्रेस का पीपीए में विलय कर दिया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 46 विधायक हैं, जबकि 11 विधायक बीजेपी के हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अरुणाचल में कांग्रेस के नेताओं का बागी होना कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले कालिखो पुल और अन्य 30 नेता बागी हुए थे। पुल बागी होकर मुख्यमंत्री बने थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपदस्थ कर दिया था। जुलाई में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाम तुकी की जगह पेमा खांडू को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था। खांडू के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 2 निर्दलीय और 45 पार्टी विधायकों के समर्थन से कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार बना ली थी। साथ ही बागी नेता कालिखो पुल अपने 30 साथी बागी विधायकों के साथ पार्टी में लौट आए थे। नवंबर 2015 से ही अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है और अब फिर से 43 विधायकों और मुख्यमंत्री का बगावती रुख अख्तियार करना कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।